हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्लावर देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फ्लावर है सनफ्लावर। ये सारे जो प्लांट आपको शो हो रहे हैं ये सनफ्लावर्स के प्लांट हैं। सूरजमुखी जो कि समर्स का बेहतरीन पौधा होता है फ्लावर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले मैंने शॉपिंग की थी, नर्सरी शॉपिंग की वीडियो भी शेयर की थी आपके साथ, और जब मैंने अपने इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग की थी तो इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो मैंने इसी कैरेट में, जो आपको ये कैरेट दिख रही है, इसी कैरेट में मैंने अपने इन पांच में प्लांट लेकर आई थी सनफ्लावर के, तो इन पांचों को एक ही कैरेट में लगा दिया था। तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है कि कैसे मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, इन प्लांट्स को मुझे लगाए हुए 3 वीक हो गए हैं। 3 सप्ताह के बाद का ये रिज़ल्ट आपको मैं शो कर रही हूँ। 3 वीक के बाद जो है मेरे प्लांट्स कैसी ग्रोथ कर रहे हैं वही आपके साथ शेयर करूंगी, और इनकी केयर क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मिनिएचर वैरायटी का सनफ्लावर का प्लांट है सूरजमुखी का। इसमें छोटे साइज़ के जो हैं फ्लावर्स आएंगे। ये पहला फ्लावर खिला हुआ है मेरे प्लांट्स में और काफ़ी सारी कलियाँ जो हैं बन गई हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये मेरे हर प्लांट में जो है कलियां बन गई हैं और इसका पहला फ्लावर भी खिल गया है। तो खिलने के बाद ही मुझे पता चल पाया कि ये सारे जो प्लांट हैं ये मिनी सूरजमुखी के प्लांट हैं। तो लेने से पहले मुझे नहीं पता था कि ये मिनी सूरजमुखी के प्लांट निकलेंगे, तो जब फूल का साइज़ देखा है मैंने तब मुझे पता चल गया कि ये मिनी वैरायटी के सूरजमुखी के सारे ही प्लांट हैं, और सभी में बडिंग स्टार्ट हो गई है, सब में बड्स निकल आई हैं। आप देख सकते हैं सारे ही प्लांट अच्छे ग्रो हो रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक सूरजमुखी के, अगर आप बीज से ग्रो करना चाहते हैं सूरजमुखी के प्लांट को, तो अभी भी आप इनके बीज को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि फरवरी से इनके बीज की सीडलिंग जो है करना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर अभी आपने नहीं स्टार्ट किया है इनको ग्रो करना, तो आप सूरजमुखी के बीज को जो है ग्रो कर सकते हैं अभी। तो मैंने पिछले साल इसको अपने गार्डन में ऐड नहीं किया था, तो इस बार मैं इसको लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आप एक बार सूरजमुखी के प्लांट को अपने घर में ले आते हैं तो फिर ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा, फिर ये दोबारा आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं इन्हीं में सीड जो हैं मिल जाते हैं हम लोगों को, जो फ्लावर खिला हुआ है। तो फ्लावर चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सीड तो हमें मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि अगर मिनी वैरायटी का सनफ्लावर का प्लांट है तो इसमें बीज नहीं मिलेंगे हमें, बीज इसमें भी मिल जाएंगे। हाँ, बीज का साइज छोटा हो सकता है, और सारे ही जो फ्लावर्स होते हैं उनमें बीज में मिल जाते हैं सनफ्लावर्स के। तो इसमें भी मैं बीज कलेक्ट करके रखूँगी इस बार सूरजमुखी के। तो अभी तो इनका सीजन स्टार्ट ही हुआ है, तो जब भी मैं कलेक्ट करूंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब इनका सीज़न स्टार्ट हो चुका है और ये हमें अब मई जून जुलाई अगस्त तक काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग जो है करके देंगे। और मिनी वैरायटी का जो होता है वो फ्लावरिंग ज़्यादा दिनों तक करता है फ्रेंड्स। तो बात करेंगे इसकी मिट्टी आपको कैसे बनानी है, तो मिट्टी इसकी वेल्ड्रेन ही बनेगी, जैसा कि हम लोग हर प्लांट की बनाते हैं। तो आप लोगों को शो भी हो रही होगी मिट्टी इस समय, जैसे कि मैंने मिट्टी बनाई है और इसकी मैंने वीडियो की लिंक भी दे दी है, तो आप लोग देख लीजिएगा कैसे मैंने इसकी मिट्टी तैयार की थी। और बाकी इस प्लांट पे जो है इंसेक्ट का अटैक भी हो जाता है, तो आप बराबर रेगुलर जो है इस पर स्प्रे करते रहिए, कोई भी लिक्विड सोप का या कोई भी फंजीसाइड का, तो आप स्प्रे जो है बराबर करते रहिए। अगर एक बार इसमें लग गए इंसेक्ट तो फिर ये पौधा जो है नहीं बचता है, तो आप प्रॉपर इस पर स्प्रे करते रहिए और फुल सन में इसको रखिए, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है।
और इसकी खासियत यही होती है कि जैसे ऐसे मतलब सूरज की जो है दिशा बदलती है, वैसे ऐसे ये भी अपना जो है वो बदलता रहता है, अपना वो सूरजमुखी का ये फूल दिशा बदलता रहता है। तो आज पहला फूल इसका खिला है तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई और सारे ही प्लांट अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और जब भी आपको इसके सीड्स लेने होंगे तो आप अपने फ्लावर्स को तोड़िए मत, उसी में सूखने दीजिए उसको, और सूखने के बाद जो है आप इसके बीज कलेक्ट कर सकते हैं। जब भी इसका मौसम जाने लगेगा तब तो हम भी उसके सीड भी कलेक्ट करके रखेंगे और ढेरों प्लांट बना सकते हैं इससे। तो सूरजमुखी की कई वैरायटीज आती हैं, इसका बिग काफ़ी बिग साइज़ के भी प्लांट्स आते हैं इसके, इसमें काफ़ी बड़े बड़े फूल आते हैं। तो मुझे तो अभी ये छोटा ही मिला है मिनी साइज़ का, तो मैंने यही ऐड किया है अपने गार्डन में। तो आप सूरजमुखी के प्लांट को जो है फुल सन में ही रखिए, पूरे दिन की धूप इसको बहुत अच्छी लगती है, सन लविंग प्लांट है ये। तो आप भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए क्योंकि समर आ गई है और समर का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है ये। तो बहुत प्यारा लग रहा है इसका छोटा सा मिनीचर वैरायटी का सनफ्लावर, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सारे प्लांट अच्छे ग्रो हो रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।